अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बगैर आगले और हिंदू वाला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सबको जो है वो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, द फर्स्ट सेमीफाइनल प्रीव्यू बिटवीन मी एंड द डिस्कशन इज बिटवीन मोहम्मद फैसल, विच जो आज बहुत रंग बिरंगे मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन किस्म का एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ अपने पीछे, फैसल साहब। आंकड़ों के अनुसार क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से कौन किसको पछाड़ेगा, कौन किस पर भारी रहेगा, दो कौन शून्य किसको तीन पलट शून्य देगा? चार शून्य पांच शून्य आंकड़ों के अनुसार आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड को चित करेगा या न्यूजीलैंड इंग्लैंड की लंका ढा देगा? क्या हो गया भाई, दबाव हुआ नहीं गई क्या? या मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है पेट्रोल हाइक आपके दिमाग पे चढ़ गई है भाई, पेट्रोल हाइक प्राइसेस आपके दिमाग पे चढ़ गई। भाई हुआ बेसिकली ये है कि एक तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में अनबीटन पहुंचने की खुशी है, इतनी खुशी है आज तक ये खुशी कभी मिली नहीं, एक बात। और दूसरी बात, उससे ज़्यादा जो खुशी हुई है और जो मेरी ये दिमागी हालत हुई है, उसकी वजह ये है कि जिस दिन इंडिया अपना पहला मैच हारा, उस दिन से मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था ये देखने के लिए कि वो कहते क्या हैं, और ये उसी का असर है। उधर भी पूरा मतलब पूरा नेगेटिव नहीं, लेकिन उधर भी सेंसिबल तो लोग हैं और अच्छा रिव्यू भी कर रहे हैं, विक्रांत साहब अच्छे अच्छा बोलते हैं। ये नहीं कि वो पाकिस्तान में फेवर में बोल रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अच्छे हाँ, मतलब थिंकिंग अनबायस्ड लोग हैं, रिव्यूज अच्छी होते हैं। अच्छी चीज है। हाँ, हरभजन सिंह टाइप के लोग ना, वो सही है, सोशल मीडिया के हद तक सही है, लेकिन एक प्रॉपर सहाफी जो होता है या एक प्रॉपर फॉलोअर जो होता है वो इसी तरह की रिव्यू देता है ताकि आपकी आंखें खुले। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बताई कि आपके ही जो कुछ ग्रुप्स हैं जो पीछे लगे हुए थे कि मैच कैंसिल करा दो, और अनफॉर्चुनेटली वो जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के पिच वाला, पता नहीं उसकी अभी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो इस तरह की चीजें मतलब आप नहीं कर सर, एक टीम पहले ही 25-30 महीना जो है वो लगातार मैचेस खेल के आई है इतनी सख्त हीट में, फिर वो इस चीज का भी प्रेशर ले, फिर वो पहला मैच हार जाए, उसके बाद जो प्रेशर और चढ़े, वो सब भी इंसान है, हमें उनका भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल लेकिन इंडियन मीडिया बेसिकली मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक तरह का ही होता है, वो तो आपको पता है कि वो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं और जो ढल रहा होता है उसके जो है वो हकारी होते हैं, इस तरह से चलते। और मुझे तो बस रिव्यू शुरू करने से पहले बस 1 मिनट, मैं भी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, वो चंदे की मार मार दूं मीडिया को। मीडिया में तो मुझे लगता है कि बाकी दुनिया को तो छोड़ें, पाकिस्तान इंडिया में जो है ज़्यादातर जो सहाफ़ी हैं, सहाफत के अंदर कहा तो रिजाल हो गया है, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इवन जो बने घूम रहे हैं, पॉलिटिकल की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो सारे जाहिल लोग हैं। और मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने आपसे बात की और आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है आप काबुल के सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर बैठ के ये काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन गेम में भी जो है ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी जो है ना, ज़्यादातर हमारे यहाँ फारिग हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, के अब उस दिन में जो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच से पहले जो इंडिया मैच जीता था अपना स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक सहाफ़ी जो था, वो यकीनन कोई इंडियन सहाफ़ी होगा, वो सवाल पूछ रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देता है, यानी हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड ऐसा ना करे कर सका, यानी अफगानिस्तान ऐसा ना कर सका, तो क्या होगा? भाई आप क्या सुनना चाह रहे हैं इसके मुंह से कि भाई हम अफगानिस्तान, वो न्यूजीलैंड की टीम को कुछ कर देंगे तब हम पहुंच जाएंगे? उसने साफ कह दिया कि भाई अगर नहीं हुआ तो हम बैग पैक करेंगे घर चले जाएंगे। यानी ये कोई सवाल, कोई लॉजिक बनती है इस सवाल एक्चुअली को करने की? मुझे इसी तरह का एक वाकया याद आ गया, अब जो ये जरा हम जर्नलिस्ट को थोड़ा सा मीडिया को कर रहे हैं तो हाथ के हाथ थोड़ा सा हम कर ही दें। मेरा ख्याल है कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले, जब शायद प्राइम मिनिस्टर नए नए बने थे इमरान खान, तो उस वक्त जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे सहाफ़ी जो अपने आप को अकले कुल कहते हैं, उनमें गंजा मोहम्मद मालिक भी है,
तो वो इंटरव्यू कर रहा था, सोलो इंटरव्यू। उस सोलो इंटरव्यू के अंदर वो कह रहा है कि बात हो रही थी कि जी अमेरिका और अफगानिस्तान मुजाकरात की, तो वो कह रहा है कि भाई किस तरह मामला होगा। तो वो वजीर आजम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमारी पूरी कोशिश है कि तीनों फरीकैन जो है टेबल पे बैठें, हर मसले का हल टेबल टॉक होता है, और आपस में जो है वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय कर लें, और जो है वो ताकि अमन कायम हो। अब जो लोग होते हैं अपने आप को ज्यादा अकले गुल समझते हैं, और ये सारे साफी तकरीबन अपने आप को ऐसे ही समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, वो कह रहे हैं अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या फिर क्या होगा। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हम कोशिश करेंगे कि वो पहले फरीकैन के दरमियान एतमाद बहाल हो, फिर बात हो, नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। आखिर में जो है वो खान साहब की हट गई, खान साहब कहने लगे भाई अच्छा अगर कुछ नहीं हुआ ना तो फिर हम मालिक को भेज देंगे, या तुम ठीक कर लो मामला। वो तो हाजिर जवाबी है बेसिकली। वो लोग चाह रहे होते हैं इंटिमिडेट करने दें दूसरे को ना, इतना इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना उसको पुल कर दें उस चीज के लिए, या उसको इतना पुश कर दें इतनी चीज के लिए कि वो रिडिकुलस सा कोई जवाब दे दे। और नॉर्मली मतलब साफियों को मिल जाता है उनका जो डोस होता है ना, वो मिल जाता है। आप तो फुटबॉल मेरे ख्याल से इतनी नहीं फॉलो करते, लेकिन जो फुटबॉल के मैनेजर्स होते हैं ना, एक्चुअली अगर उनसे ऐसा कोई सवाल हो ना, तो वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि ये एक रिडिकुलस सवाल है, और ये मतलब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप ये अपने आप से पूछ रहे हैं, ये इस तरह से कह देते हैं ताकि सामने वाला। आप उसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें, एक टीम जो 11 प्लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, उसमें से अगर कोई एक प्लेयर कोई गलती कर दे, फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, तो वो मैच टर्निंग हो सकती है, क्योंकि वो गोल हो गया या पेनल्टी हो गई या जो भी हो गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी टीम भुगतती है। सवाल आप मैनेजर से क्या कर रहे हो कि वो जो प्लेयर ने फील्ड पे गलती की थी वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? वो कह रहे हैं यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू डिडंट कमिट मिस्टेक्स। उसने ये सवाल किया, बेसिकली आई एम आस्किंग यू। उसने फिर मैनेजर ने यही कहा कि यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू डिडंट कमिट मिस्टेक्स, दिस इज माई आंसर, दिस इज योर आंसर। वो क्या है कि उसने जो है वो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। बहुत, ये तो मीडिया आपको पता ही है, मीडिया तकरीबन नाकाबले बर्दाश्त है। चलें जी, दफा करें। वो हमारे एक सीनियर है, वो कहते हैं छड़ो जी जाने दो, जान दो मट्टी पाओ ते सानू की। सही बात, चलो जी आगे चलें, आगे चलते हो जल्दी जी। जल्दी न्यूजीलैंड से आ जाए वर्सेस जी, इंग्लैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड हाँ जी, न्यूजीलैंड दोनों वर्सेस टीमों को इंग्लैंड, ये है जल्दी जल्दी। भाई। न्यूजीलैंड इंजर्ड फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड इनफॉर्म साइड। बस न्यूजीलैंड का मुझे एक चीज जो प्रॉब्लम कर रही है कि वो इतने रन अगर इंग्लैंड पहली बैटिंग करता है तो इतनी पावर हिटर्स हैं कि वो रन बना लेंगे उतने। बॉलिंग तो खैर अच्छी करेंगे साउदी और बोल्ट, लेकिन बस मुझे कहीं ना कहीं इंग्लैंड का पॉजिटिव थोड़ा सा, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, तो वो रन बनाने पे जाते हैं। अगर न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने इतने रन बना दिए पहली बैटिंग करते हुए, न्यूजीलैंड फॉलो कर लेगा उसको, या फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करते हुए इतने रन बना सकता है कि वो उनके बैट्समैनों को रोक सके इंग्लैंड के। ये दो सवाल है, दोनों वाइस वर्सा है, लेकिन मैं न्यूजीलैंड मेथड के साथ अगर खेलेगा, हो सकता है कंट्रोल कर ले वो शुरू के बैट्समैन को, और हो सकता है वहीं इंग्लैंड का चांस खत्म हो जाए। न्यूजीलैंड के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता 2019 के वर्ल्ड कप के रिप्ले का। मतलब T20 है, कंडीशंस थोड़ी सी स्लो होंगी, मतलब विकेट थोड़ी सी स्लो होगी, मे बी कुछ 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 भी हो सकता है। सेमीफाइनल है, डू एंड डाई है, नॉकआउट है, रन रेट कोई पॉइंट कुछ मैटर नहीं करता, ऑन द डे जो परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं इंग्लैंड को थोड़ा सा इसमें मार्जिन ज्यादा दे रहा हूँ, तकरीबन 65% चांसेस मैं इंग्लैंड के कह रहा हूँ कि इंग्लैंड थ्रू कर। लेकिन अच्छा दोनों। लेकिन सेमीफाइनल, अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से तो दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है ना, अगर हम मैच करें, इंग्लैंड के पास भी दो अच्छे स्पिनर हैं, और ज़रूरत पड़ने पे लिविंगस्टन भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, और न्यूजीलैंड के पास भी दो स्पिनर हैं, दोनों बॉल स्पिनर जो है वो कंडीशंस का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं, फील्डिंग पूरा सपोर्ट करती है। न्यूजीलैंड के पास भी जो है वो पेस बैटरी उनकी अच्छी भली मौजूद है, टिम साउदी है,
और ट्रेंट बोल्ट है, और जिमी नीशम साथ में जो है वो आके कमी पूरी करते हैं तीसरे पेसर की, और एडम मिलन को जो है उन्होंने रखा हुआ है एक पेस अटैक अटैक के अंदर, और इंग्लैंड के पास जो है वो क्रिस वोक्स, क्रिस जोर्डन, और अब जो है वो टिमाल मिल्स की जगह उन्होंने मार्कोट को खिलाया था। तो अब क्वेश्चन ये है, आज मैं एक जगह देख रहा था कि जेसन रॉय को कौन रिप्लेस करेगा। उन्होंने रिजर्व से तो जेम्स विंस को कॉल कर लिया, और टिमाल मिल्स की जगह रीस टॉपली को कॉल कर लिया। अब जो पीछे इनके पास मौजूद लोग हैं उनमें डेविड विली है, अगर ये फॉर एग्जांपल मार्कवुड को नहीं खिलाते, और जेम्स विंस है बैट्समैनों में, और सैम बिलिंग्स है। तो अब देखना ये है, इंग्लैंड ये भी सोच रहा है कि बजाय इसके कि मोइन अली और लिविंगस्टन को जो है पांचवा बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करने के, एक बॉलर बढ़ा लिया जाए। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड क्या स्ट्रेटजी रखता है, जेसन रॉय की जगह किसको खिलाता है, और जेम बैटिंग का विंस जहां तक। बेसिकली टॉप ऑर्डर में खेलता है, तो मेरे ख्याल से रॉय को शायद वही रिप्लेस करेगा। मिडिल ऑर्डर में ना बिलिंग्स की जगह बनती है मेरे ख्याल। लेकिन T20 आपको पता है शुरू के 3-4 प्लेयर्स का खेल है, हो सकता है वो बैटिंग टॉप हैवी करके खेल ले। हाँ बस एक एक चीज वही बार बार मैं असल में ना सेमीफाइनल को एक नॉर्मल मैच वैसे भी नहीं होता, सेमीफाइनल को या फाइनल को ना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वन ऑफ होता है आपका, जो भी डिसीजन होता है वो हो सकता है आपको मैच जितवा दे, हो सकता है वो बैकफायर कर। लेकिन जैसे ही टीम्स दोनों खेलती आ रही हैं, न्यूजीलैंड ने लो स्कोरिंग चेज की इंडिया के खिलाफ, बाकी 3 मैच उसने जीत, 2 मैच और जीत लिए, 3 मैच सॉरी और जीत लिए। लेकिन जो मुश्किल मैच था जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी चल गई थी, उसमें उन्होंने जो है वो 134 के करीब स्कोर किया था। बॉलिंग अच्छी जिस टीम की होगी उस न्यूजीलैंड को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अभी इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर न्यूजीलैंड पहली बॉलिंग करेगा तो न्यूजीलैंड उनको इतने रन पे रोक सकता है कि वो मैच उनके बैट्समैन चेस कर, या फिर न्यूजीलैंड इतने रन बना सकता है कि इंग्लैंड वो चेज ना कर सके। ये दो ऐसे ही सवाल है कि मतलब बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल मुझे सोचने में इसकी ओवर थिंकिंग शायद मैं इधर कर रहा हूँ, लेकिन ये मैच फिर भी टफ मैच होगा। दोनों टीमें मेथड से खेलती हैं, दोनों टीमों में फ्लेम्बोयंस तो है लेकिन मेथड से खेलती हैं। गप्टिल का शायद हो सकता है कल अगर सेमीफाइनल हारा तो लास्ट मैच है, और गप्टिल ही मेन थ्रेट है। मिचेल भी है लेकिन गप्टिल ही मेन थ्रेट है जो इंग्लैंड को मतलब पीछे कर सकता है मैच में शुरू में। अगर गप्टिल 8-9 ओवर खेल गया ना तो ये मैच अच्छा होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में चेज थोड़ी मुश्किल होती, अच्छा मैच होगा अगर ओपनर अच्छे खेल गए। हाँ अच्छा चलें, हाथ के हाथ जो है दूसरे मैच का भी प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कल फिर हम पहले का रिव्यू करेंगे और परसों फिर हम दूसरे का रिव्यू करेंगे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, क्या कहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक जेन्युइन फास्ट बॉलर्स खेले नहीं है पाकिस्तान ने, मतलब फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स हैं साउथी और बोल्ट। मिल अनफिट, मिल था नहीं उस मैच में, हाँ, उसमें था नहीं, नहीं था। मिल नहीं था उसमें, उन्होंने हाँ वो टिम जेन्युइन, साइफर्ट खिलाया था। मैं यही इसीलिए थोड़ा सा ना, मैं वैसे भी आपको पता है ना मैं बिना वजह के ट्रोल्स और इस तरह की चीजें नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए फाइनल से ज्यादा मुश्किल मैच होगा, तीन जेन्युइन टेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल मैच हो सकता है। उनकी लेंथ ऐसी है कि उनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैं आवाम के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाह रहा। T20 मैच है, पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ स्टोइनिस, मिचेल मार्श और थोड़ा हद तक जैम्पा, यही तीन होंगे। या अगर आप टारगेट करना चाहें तो आप हेजलवुड को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक लेंथ पे ज्यादातर गेंदे करते, दूसरा, तो पेस थोड़ी मीडियम। पाकिस्तान को जो एक एज है ना बॉलिंग और बैटिंग और इन सारी चीजों को, तो अगर हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान को डिस्कस करने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि जी हम मायूसी फैला रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल, जो पाकिस्तान को सिर्फ एक एज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इस टूर्नामेंट में, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक
लकीली जीत के यहां तक आ तो गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब तक एज ए टीम नहीं जीता। इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पे के दो मैचेस में वार्नर ने 50s बना दी, 70+ कर दिए, 6 हो गए, इस तरह करके ना। तो पाकिस्तान जितने मैच जीता है वो टीम एफर्ट पे जीता है, यानी अगर किसी प्लेयर ने 10-15 रन भी बनाए तो उसने अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, जिसको हम पहले मिस कर रहे होते थे कि भाई ये तो नीचे को खेलता ही कोई नहीं है। तो अभी भी हमारे पास बड़े, यानी हमारी बैटिंग के अंदर बड़े लूप होल मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ बार बार डिस्कस होती है कि स्लो स्टार्ट के बाद हम रिकवर कर गए स्कॉटलैंड और नमीबिया के खिलाफ, तो बड़ी टीमों के खिलाफ ये मौका मिलेगा नहीं। लिहाजा शुरू के अगर 8 से 10 ओवर रिजवान और बाबर एक साथ खेलते हैं, अव्वल तो इतनी देर वो आपको टिकने नहीं देंगे, और टिकने का तरीका यही होगा कि जी आप उनकी कुट लगाएं ताकि वो उनकी लाइन लेंथ ऑफ ऑफ बिल्कुल द मार्क हो, ठीक है। और उस ऑफ द मार्क होने के चक्कर में ये भी मुमकिन है कि जी आपके 8-9 ओवर में जो है वो कुछ 65-70 रन हो और 2 विकेटें गिरी भी हो, उसके बाद वाले उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये तो ये बता रहा क्वेश्चन, हूँ ना, ये आप हफीज पे और शोएब मलिक के इस मैच में रिलाई नहीं कर सकते। हाँ तो ये ऑप्शन तो निकल गया कि आप जो है ना जिस तरह दूसरी टीमों के खिलाफ बाबर और रिजवान 10-10, 12-12 ओवर खेल लेते थे, तो वो आपको इतनी देर टिकने नहीं देंगे। पहली गेंद से स्टार्क की यॉर्कर शुरू होंगी, इसी तरह हेजलवुड की एक नैगिंग लेंथ स्टार्ट हो जाती है, पैट कमिंस भी जो है वो उसी तरह अटैकिंग लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, और फिर जेम्पा जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जेम्पा ने तो पूरे टूर्नामेंट में हर टीम को परेशान किया है, चाहे उसको स्पिनर खेलने आते हो या ना आते हो। तो ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान एज ए टीम खेल रहा है और एज ए टीम जीता है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी विन है वो एज ए टीम नहीं है, लकीली वो 4 मैच जीत तो गए लेकिन एज ए टीम नहीं। अच्छा जी, फाइनल प्रिडिक्शन दे दें फिर आप कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड में से कौन जीतेगा और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीतेगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में से तो इंग्लैंड मेरा, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से दिल मेरा कह रहा है पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान ने प्लान सही कर लिया तो पाकिस्तान, वरना ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे सकता। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होने जा रहा है। हाँ देखें, चांसेस तो है, ये सेमीफाइनल है, एक गलती आपको बहुत महंगी, वन ऑफ होता वैसे नहीं है, वन ऑफ बहुत खतरनाक चीज है। इस वक्त जो मैंने बात की है ना, अरे इस बात के ऊपर तो वो वाली बनती है, एक पुपी उधर एक पुपी उधर। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान ने आखिरी सेमीफाइनल जो है ना, किसी भी मेजर फाइनल तो खेला उसका चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आखिरी सेमीफाइनल कब खेला था? 2014 बहुत पहले, क्योंकि में सेमीफाइनल के। 2016 में तो जो हमारे वो कप्तान थे वो पाकिस्तान के बदतरीन कप्तानों में शुमार होते हैं, वो कप्तान थे और वो टीम हमारी ऐसी फारिग थी 2016 के T20 में। 14 में भी बहरहाल हम पहुंच गए थे श्रीलंका सेमीफाइनल में। से आ रहे थे ना सेमीफाइनल। खैर देखते हैं, पॉजिटिव रहे, इंशाल्लाह हो सकता है कि, हो सकता है फाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हो, सकता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो सकता है पाकिस्तान इंग्लैंड का हो, चारों पॉसिबिलिटी हाँ, पॉसिबिलिटीज तो हो फॉर द चारों, बेस्ट, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो चारों। होंगे बड़े माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, ऐसे मैच देखने में मजा ये होगा मैच। वैसे अभी तक तो चल रहा था ग्रुप ग्रुप, अब आएगा मजा, नॉकआउट में पता चलता। पाकिस्तान टेंशन वाले मैचेस नहीं खेला है पिछले कुछ अरसे में, यही एक डिसएडवांटेज, टेंशन मतलब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स, वर्ल्ड कप के फाइनल, हाँ चलें तो इसीलिए देखते हैं, होप बस फॉर ये दी एक बेस्ट, डिसएडवांटेज। कीप योर फिंगर्स क्रॉस। यहीं तक रुकते हैं इंशाल्लाह, फिर कल के मैच के रिव्यू के साथ और फिर परसों के मैच के रिव्यू के अच्छा साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के अच्छा लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।